हेलो फ्रेंड्स, जब बात त्वचा की देखभाल की हो तो ब्यूटी एक्सपर्ट्स हमेशा यही सलाह देते हैं कि हमें अपनी त्वचा की देखभाल करने के लिए प्राकृतिक जड़ी बूटियों का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उनसे अच्छा ऑप्शन हमारी स्किन को साफ करने के लिए और स्वस्थ बनाने के लिए कोई नहीं हो सकता। आजकल बाजार में बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि अपने आप को जड़ी बूटियों से निर्मित बताते हैं और दावा करते हैं कि वह हर्बल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें भी केमिकल का प्रोडक्ट ज़रूर मिक्स होता है, जो हमारी त्वचा को अगर थोड़ी मात्रा में साफ करता है तो ज़्यादा मात्रा में डैमेज भी कर सकता है। और कोई भी लड़की अपनी स्किन के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं करना चाहेगी। तो आइए, मैं आपकी दोस्त आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसी ही 7 जड़ी बूटियाँ, जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी त्वचा को और भी ज़्यादा खुशनुमा बना सकती हैं। आपके घर में मौजूद हर्ब्स जैसे कि नीम, तुलसी, पुदीना, इनका इस्तेमाल करके भी आप अपनी त्वचा को और भी ज़्यादा खुशनुमा बना सकते हैं। कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनके चेहरे पर कील मुहासे हो जाते हैं। अगर आप इन हर्ब्स का यूज़ अपने कील मुहासों को दूर करने के लिए करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। 1 महीने तक इन हर्ब्स को अपने फेस पर अप्लाई कीजिए और आप देखेंगे कि आपके कील मुहासे दूर हो जाएंगे, दाग धब्बे छुप जाएंगे और आपका चेहरा गोरा गोरा और ग्लोइंग सा नज़र आएगा। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इन हर्ब्स को आप तभी इस्तेमाल करें जब यह आपकी स्किन को सूट करें। अगर इन्हें लगाने से आपकी स्किन पर रैश, जलन या खुजली होने लगे तो तुरंत इसे पानी से धो लें। तो आइए जानते हैं उन जड़ी बूटियों के बारे में। तो मैं आपकी दोस्त आज आपके साथ उन्हीं 7 जड़ी बूटियों के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। जड़ी बूटी नंबर 1 है नीम। मुट्ठी भर नीम की पत्तियों को पीस लें और उसका एक पाउडर तैयार कर लें या फिर एक पेस्ट तैयार कर लें। इस पेस्ट के अंदर थोड़ा सा गुलाब जल मिलाएं और इसे सीधे तौर पर एक्नेस पे लगाएं। ऐसा करने से आपके एक्ने, पिंपल्स होना बंद हो जाएंगे, जो हो रहे हैं वे बैठ जाएंगे, साथ ही साथ इनके दाग धब्बे भी मिट जाएंगे। जड़ी बूटी नंबर 2 है जोजोबा। जोजोबा की पत्तियों को पीस कर पाउडर बना लें और इस पाउडर के अंदर जोजोबा ऑयल मिक्स कर लें और एक पेस्ट तैयार कर लें। इस पेस्ट को अपने फोड़े घुंसी पर लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें। सूखने के बाद इसे रगड़ कर छुड़ा दें। ऐसा करने से आपके फोड़े घुंसी में तो आराम मिलेगा ही साथ आपकी त्वचा भी रेडिएंट बनी रहेगी। ये पैक आपकी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। जड़ी बूटी नंबर 3 है गेंदा। गेंदे का फूल घाव, चोट, त्वचा संक्रमण और रैश आदि को दूर करने के लिए बहुत लाभदायक माना जाता है। गेंदे की पत्तियों को पीस कर अपने चोट पर या फिर त्वचा के संक्रमण पर लगाइए। अगर आपकी बॉडी पर कहीं रैश हो गए हैं तो वहां लगाइए, आपको आराम जरूर मिलेगा। जड़ी बूटी नंबर 4 है एलोवेरा। आप एलोवेरा को सीधे तरीके से अपने घाव पर और रैशेस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने रैश पर इस्तेमाल करने के लिए एलोवेरा जेल को सीधा पत्ती से निकाल कर रैश पर लगाइए और गोलाई में मसाज कीजिए। सूखने के बाद इसे धो लीजिए। ऐसा करने से आपके रैश हल्के पड़ना शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाएंगे। बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इसे 1 दिन में 2 बार भी इस्तेमाल कर सकती हैं। जड़ी बूटी नंबर 5 है जैतून का तेल। जैतून का तेल हमारे फेस के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। आपको करना सिर्फ इतना है, जैतून की 2 पत्तियों को लेकर उन्हें पीस कर पाउडर कर लीजिए और उसमें 1 बूंद जैतून का तेल मिलाकर एक पेस्ट तैयार कीजिए। इस पेस्ट को अपनी झुर्रियों पर, अपनी फाइन लाइंस पर लगाइए। ऐसा करने से आपकी झुर्रियाँ दूर हो जाएंगी, साथ ही साथ आपकी त्वचा भी खिली खिली और जवान नजर आएगी। जड़ी बूटी नंबर 6 है गुड़हल। गुड़हल का फूल और पत्तियां हमारे चेहरे के लिए बहुत अच्छी होती हैं। इन दोनों को समान मात्रा में पीस कर अपने फेस पर लगाएं और फिर देखिए गुड़हल की पत्तियों का जादू, क्योंकि ये फेस पैक उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनकी त्वचा ज़्यादा ऑयली है, यानी कि तेलीय है। यह पैक लगाने से उनकी स्किन पर ज़्यादा तेल आना बंद हो जाएगा। जड़ी बूटी नंबर 7 है पुदीना। पुदीने के अंदर कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कि दाग धब्बों को साफ कर देते हैं, इसलिए वे लड़कियां जिनके चेहरे पर ज़्यादा दाग धब्बे हैं या फिर स्पॉट्स हैं, वो पुदीने के पेस्ट को अपने फेस पर अप्लाई कर सकती हैं। ऐसा करने से उनके दाग धब्बे तो दूर होंगे ही होंगे, साथ ही साथ उनके फेस के पोर्स भी खुल जाएंगे और उनकी त्वचा भी रेडिएंट और ग्लोइंग बनी रहेगी। सो फ्रेंड्स, ये थी वो 7 जड़ी बूटियाँ जिनका इस्तेमाल करके आप अपने फेस को और भी ज़्यादा ग्लोइंग, रेडिएंट बना सकते हैं और अपनी त्वचा को स्वस्थ रख सकते हैं। मेरी हेल्थ और ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।